ओके सो लास्ट सेशन केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे फटाफट। चलो न्यूमेरिकल्स के लास्ट पार्ट बचे, दैट विल फिनिश इट ऑफ। आई थिंक हमने लास्ट टाइम फोर्थ वाले तक कंप्लीट किया था। यस, फोर्थ वन वाज डन, दिस इज द फिफ्थ वन। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, ये वाला हमको करना था। चलो क्वेश्चन देख लो, गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन, वैसे लिखेंगे सेम फॉर्मेट। क्या क्या दिया यहाँ पर बच्चों? आपको दिया है टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर दैट इज टी, किसमें चाहिए अपने को, सेल्सियस में कि केल्विन में? तो 773 केल्विन हो गया, बरोबर है? 773 केल्विन हो गया टेम्परेचर। ओके, इसका है के, के यानी कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू 1.6 इंटू 10^3 पर मोलार सेकेंड। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। ओके, के से आपको कुछ आइडिया आ रहा है क्या कि कौन से ऑर्डर का रहेगा? नहीं ना, पर मोलार पर सेकेंड अपन ने किया नहीं ना, ऐसा कोई यूनिट्स के का नहीं है ना, फर्स्ट ऑर्डर का है ना जीरो ऑर्डर का, किया है क्या ऐसा? नहीं, वैसे यहाँ पे ऑर्डर का कोई लेना देना है भी नहीं बाय द वे। अच्छा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इफ एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ए ई ए इज 56 किलो जूल। अभी 56 किलो जूल को मैं किलो जूल में रखूँ कि जूल्स में कन्वर्ट कर लूँ? जूल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा आर का वैल्यू जो है वो जूल पर मोल केल्विन में रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट जूल होता है, करेक्ट? आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन 13 सॉल्ड एग्जांपल्स का सेम टू सेम फंडा अपन यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो फॉर्मूला हमने लिखा था अरहेनियस इक्वेशन के लिए बोला ये के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। मैथ्स में इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हो, मतलब इंडेक्स के फॉर्म में लिखा है आपने, है ना? K इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी, इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। पर कैलकुलेशन के लिए हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म चलेगा क्या? नहीं, अपने को सेम इक्वेशन का लॉग फॉर्म लिखना पड़ेगा, है ना बच्चों? तो इसीलिए अपन लॉग ऑफ A बाय K इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 आर टी ऐसा लिखेंगे, ठीक है? ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आप अपने फॉर्मूला शीट में नोट डाउन कर लेना। हमने जो फॉर्मूला शीट लिखी है, ये फॉर्मूला को एज इट इज अपने फॉर्मूला शीट में नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये लॉग फॉर्म है बच्चों, और जो फॉर्मूला हमने लिखा है अरहेनियस इक्वेशन के लिए, ध्यान से सुनना, उसका लॉग फॉर्म अगर आप ये नोट डाउन नहीं करोगे तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर दैट। कैलकुलेशन नाउ इज इजी। अच्छा, टू फाइंड क्या बोला है? पॉइंट बोला ए सॉल्यूशन। एज पर अरहेनियस इक्वेशन, इफ यू आर फीलिंग फैंसी यू कैन राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड देन कन्वर्ट इट, दैट इज ऑल्सो फाइन। इफ यू डोंट वॉन्ट टू, एब्सोल्युटली ओके। ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी, लॉग ऑफ ए बाय के टू द बेस 10 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यस, अभी इसमें से के पता है अपने को, आर मालूम है, टी मालूम है, के मालूम है, तो क्या ढूंढना है? सिर्फ ए। अच्छा, विल आई
कन्वर्ट दिस पार्ट और विल आई कीप द लॉग पार्ट एज इट इज? शुड आई कन्वर्ट दिस पार्ट और शुड वी कीप द लॉग पार्ट एज इट इज? विल कीप द लॉग पार्ट एज इट इज एंड देन जैसे ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया था लॉग पार्ट को एज इट इज रखेंगे, फाइनल कैलकुलेशन राइट हैंड साइड का कर लेंगे और फिर टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा करेंगे, है ना बच्चों? चलो ए की वैल्यू क्या दी थी, 56 × 10³ जूल्स दी थी, ऑफकोर्स 56 किलो जूल दी थी। अच्छा नीचे 2.303 है, ओके यहाँ पे 8.314 आपका आर का वैल्यू और 773 केल्विन आपका टेम्परेचर। एवरीबडी विद मी? ओके चल कैलकुलेशंस इजी फटाफट, 56,000 अपॉन दिस, है ना? लॉग कैलकुलेशंस कर लें। लॉग ऑफ 56,000 ही ले रहा हूं मैं, 10³ अलग नहीं रख रहा बिकॉज मेरे को न्यूमरेटर में बड़ा नंबर चाहिए, बहुत बार बता चुका हूं, है ना? लॉग ऑफ 2.303। अच्छा न्यूमरेटर में बड़ा नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि बार कैलकुलेशन थोड़ी सी अवॉइड हो जाती, बाकी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना बच्चों? और बार कैलकुलेशन अवॉइड करने की जरूरत नहीं है सच आपको, बट मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं इफ यू अवॉइड दैट, दैट इज बेटर। लॉग ऑफ 56,000 दिस होल थिंग माइनस, ये पूरे वैल्यू का एंटी लॉग। यस इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए अभी ये सॉल्व करते करते। चलो लॉग ऑफ 56,000 कितना आएगा बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 पांच डिजिट है तो 4 पॉइंट कितना आएगा? 7482। ओके ये तीनों की लॉग वैल्यूज 0.3623 प्लस 0.9198 ये तो याद हो गया होगा। अच्छे बोलेंगे सर बेस्ट है ये तो, मजे ही आ रहे हैं अभी सॉल्व करने में, एकदम इजी हो गया है, सभी याद हो गए वैल्यूज, इतनी बार करा दिया ना, है ना? चलो 773 केमिस्ट्री की लॉग कैलकुलेशन फिजिक्स से तो अच्छी है बस, तुम लोग फिजिक्स में करते हो मेरे को मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो 9 × 10⁻⁹ वो 1/4π ε₀ वाली बड़ी बड़ी वैल्यू करते हो, है ना? बहुत सारे होते हैं उसमें तो लॉग्स। 8876 एक बार चेक करते हैं, 8882 ओके। एडिशन कर लो, 3 + 8 = 11 + 2 = 13 ओके 9 and 9 = 18 + 2 = 20 10 17 1 10 or 18 or 1 21 4.1703 बराबर है, तो एंटी लॉग ऑफ 4.7482 माइनस 4.1703 तो आपको लॉग ऑफ ए बाई के का वैल्यू आएगा 0.5779। अच्छा तो ए बाई के का वैल्यू क्या आएगा? अच्छा पहले इसका वैल्यू, सॉरी वैल्यू ले लो, एंटी लॉग ऑफ 0.5779 का क्या है? एंटी लॉग ऑफ 0 कितना आएगा?
तो ये आ रही है आपकी log ऑफ a बाई k की वैल्यू 3.784। सो a बाई k की वैल्यू कितनी है? इट विल बी एंटी log ऑफ 3.784। यस, तो टेक्निकली a बाई k की वैल्यू, अच्छा ये कैसे आया, कैसे आया लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हाँ ये तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग ऑफ a बाई k is equal to anti log of 3.784। ठीक है, तो anti log और log cancel, a by k is equal to anti log of 3.7। तो ये actually ऐसा होगा ना, 0.784 का anti log इंटू 10^3, बराबर है बच्चों? 0.784 का एंटीलॉग क्या आएगा? 6.081 × 10^3, बराबर बोल रहा हूं? चेक करो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, के, अभी के दिया आपको क्वेश्चन में, के दिया होगा ना, यस के की वैल्यू दी हुई है 1.6 × 10^3, के की वैल्यू दी है 1.6 × 10^3 × 6.081 × 10^3। क्लियर है बच्चों? ये छोटे नंबर है 1.6 और 6.08, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, इनमें लॉग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो आंसर एक्चुअली एग्जैक्टली आएगा मेरे हिसाब से 9.7296 × 10^6। अब देखना के से डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, के से नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, मतलब यूनिट क्या रहेंगे बच्चों, सेम एज के रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं? सेम एज के रहेंगे मतलब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चेक करो आपको क्वेश्चन में मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है ना, क्या ये सेंटेंस हमने मार्क किया था, क्या ये सेंटेंस हमने मार्क किया था कि यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर के दोज आर सेम एज के। चेक करो क्या लिखा है, ए एंड रेट कॉन्स्टेंट हैव द सेम यूनिट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट ओनली इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनफैक्ट इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन योर सिलेबस अगर आप देखो तो ए और के के आपको यूनिट सेम मिलेंगे, हेंस प्रूव्ड हो गया, हमने मार्क किया था, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, याद है 132 पेज नंबर पे आपके टेक्स्ट बुक के, आंसर प्रिसाइज ही आता है, दैट इज 7296 × 10^6। क्लियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ के बाद मैं डायरेक्ट 7 कर रहा हूं क्योंकि 6th वाला जो है प्रूव दैट 99.9% होने के लिए 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल 90% का होता है, ये प्रूफ मैंने ऑलरेडी आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 4 में लिख के दिया है, हां बच्चों चेक कर लेना एक बार, तो इसलिए डायरेक्टली 7th वाले पे जा रहे हैं। A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition calculated half life. एकदम सिंपल easy दो लाइन में उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, चलो गिवन लिख लेते हैं फटाफट, और गिवन लिखने में ही इसका यहाँ पे ट्रिकी है, बस गिवन आपने सही लिख लिया तो हो गया, 30% decomposition, read that in English and translate that, read and translate, ठीक है, first order reaction है 40 मिनट है यानी कि t इक्वल टू 40, आप बोलोगे ओके, नाउ हाउ डू यू ट्रांसलेट, ध्यान से देखना, व्हेन यू से 30% डिकम्पोजिशन मींस
30% इज रिमेनिंग और 30% इज यूज, 30% इज यूज, मतलब हाउ मच इज रिमेनिंग, तो ए टी इज 70/100 ऑफ ए नॉट। कितने लोगों को ये नहीं समझा, कितना बच गया आफ्टर टाइम टी, अपने को ए टी क्या चाहिए रहता है हमेशा, रिमेनिंग। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार समझाया बच्चों, ए और ए माइनस एक्स या ए नॉट और ए टी, याद है ये सबको, मेरे को कितना यूज हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में लिखने आना चाहिए और कितना बचा है उस कॉन्टेक्स्ट में भी लिखने आना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं यहां पे कितना बचा है उस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं, 30% यूज हो गया, 30% डीकम्पोज हुआ, यानी कि 70% बचा। ये क्लियर है तो सब क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो टी दिया है आपको, ए नॉट बाई ए टी बेसिकली मिल गया। तो अच्छा, तो ए नॉट बाई ए टी लिख लो ना सीधा, ए नॉट बाई ए टी, ठीक है, वो आप इसमें से लिख लोगे। और टू फाइंड क्या बोला है, टू फाइंड बोला है उसकी टी हाफ, करेक्ट है, हाफ लाइफ ढूंढने को बोला है ना। क्या हमने इसके पहले क्वेश्चन किया उसमें सेम टू सेम था, फर्स्ट ऑर्डर है तो सुनते ही आप सबसे पहले क्या लिखोगे, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट बाय ए टी, है ना बच्चों। ओके, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, 0.693 बाय के, सो देयरफॉर के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, सेम टू सेम रिपीट, ये वन ये टू, सही है ना। क्या करना है नाउ, इक्वेटिंग मतलब ये ही क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा बनता है इस चैप्टर में से, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं और आपके सामने प्रूफ भी आप कितने सारे अब कर चुके हो, आपको याद हो गया होगा, वैल्यूज भी याद हो गया, याद है बच्चों को तो लॉग की, है ना। इक्वेटिंग वन एंड टू क्या है, 2.303 अपॉन टी, कितना दिया था 40 मिनट दिया था, 40 मिनट्स दिया था, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 70/100 ए नॉट इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010। ये कहां से आया, 0.693 को हम लोग हर बार ऐसे लिखते हैं ना, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी हाफ। तो इस पूरे इक्वेशन में अभी अपने पास एक ही अननोन बचा, कौन सा, ए नॉट तो कैंसिल हो गया, 2.303 और 2.303 तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास टेक्निकली यहाँ पे भी ये भी देख लो ना, 0 और 0 कैंसिल, 7/10, 10/7 तो 1/40 log of 10/7 is equal to 0.3010 upon t half। ये मेरा इक्वेशन बनता है बच्चों, चलो कैलकुलेशन फटाफट खत्म करेंगे, 1/40 log 10 माइनस log 7 इंटू 1 माइनस 0.8451 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये कितना आता है,
15549। सो टी हाफ इज इक्वल टू, नाउ फाइनली विल गेट टी हाफ। घाई करके खराब मत करना, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना, नीट रखना। वंस यू गेट ऑल द वैल्यूज देन यू सब्स्टिट्यूट फॉर द फाइनल वन, और आइदर यू सब्स्टिट्यूट फॉर द फाइनल वन इन द फर्स्ट स्टेप इट्स, बीच में रैंडमली नहीं करने का, मैं लास्ट स्टेप में करूंगा या तो फिर फर्स्ट स्टेप में करता हूँ, पता है आपको, है ना, ध्यान से देख लेना, गड़बड़ नहीं करना। चलो तो टी हाफ यहाँ पर आपको चाहिए, तो दैट विल बिकम 0.3010 इंटू 40, यस बच्चों, अपॉन 0.1549, करेक्ट है। चलो लॉग से कर लो फटाफट, लॉग ऑफ 3010 प्लस लॉग ऑफ 40 माइनस लॉग ऑफ 1549। समझा मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल प्लेसेस को आगे ले लिया ताकि मेरे को बार कैलकुलेशन से डील ज़्यादा नहीं करना हो, क्लियर है बात। क्या ये कंपलसरी करना, नहीं, बट ये कन्वीनियंट है इसलिए कर रहा हूँ। थ्री जीरो वन जीरो का लॉग कितना आएगा बच्चों, 3 point, चार डिजिट है ना, 3010 कितना आएगा, 3.40 का आएगा 4786, 40 का 6021 आता है जहाँ तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेना, 1549 का 3 point, मेरे को जो जो लॉग याद है ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मैं लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग कंफर्म कर लेना, हाँ अगर मैंने मिस्टेक कहीं पे करी हो तो। वन नाइन जीरो जीरो, ओके, एडिशन कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 plus 1 8, 4 plus 6 0 1 5, 5.0807, yes, और यहाँ पर 3 point, so anti log of 5.0807 minus 3.1900. सेवन जीरो 18 minus 9 9, तो इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 0.8907 द होल थिंग इनटू 10^1, और एंटी लॉग ऑफ 0.8907 कितना आ रहा है बच्चों, 7.775 इंटू 10^1, मतलब 77.75। नाउ दिस इज इन आवर्स और मिनट्स और सेकेंड्स, वट डिड वी टेक द ओरिजिनल टाइम इन मिनट्स, तो दिस विल ऑल्सो बी इन मिनट्स, तो 77.75 मिनट्स। अब जहाँ जहाँ मैंने ये खाली जगह छोड़ी वहाँ पर आप टी हाफ लिख देना, ठीक है। एग्जाम में ना ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना प्रेजेंटेशन के हिसाब से। आई नो आपको कंटाला आता होगा कि हर जगह क्या टी हाफ लिखने का, भी अंडरस्टूड है, तो स्टार्टिंग में मत लिखना, बट जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जब एक बार अगर टाइम बच रहा है तो सब लिख देना, है ना बच्चों, स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर लिखना हो तो आपको पता ही है, क्रॉस वेरीफाई कर लो आपका आंसर, यस 77, यहाँ पे इनका 77.66 आया है। अभी आप लोग का आंसर अलग आ रहा है, आप अपनी जगह पे सही हो, आपके लॉग टेबल के हिसाब से, जो नया लॉग टेबल है उसमें बच्चों को हमेशा डाउट ही रहता है इसलिए बता दूं, ये तो तुमको लगता है सर का अपना आंसर क्यों नहीं मैच करता,
देखो जो टेक्स्ट बुक में, पहली बात तो टेक्स्ट बुक में वो लोग ने कैलसी से किया, तुम कैलसी से करोगे तो तुम्हारा 77.66 आएगा, वो तो बकवास ही है क्योंकि एग्जाम में तुमको लॉग से करना है, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज गिवन देयर। अभी आपका नया लॉग टेबल में 8451 है, जो पुराना लॉग टेबल था जो हम पढ़ते थे उसमें 8450 था, तो ये वैल्यू 1550 हो जाएगी, तो आपकी यहाँ पर लॉग की वैल्यू 1903 हो जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू 8904 हो जाएगी, तो मीन डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना, समझ रहे हो आप बात को? और फिर आप उसकी एंटी लॉग निकालोगे ना तो आपको 77.6 आएगी, समझ में आ रहा है? तो क्या इसका ये मतलब है कि आपका जो आंसर आया वो रॉन्ग है? नहीं, आपका आंसर एब्सोल्युटली एकदम प्रिसाइज, एक्यूरेट, करेक्ट सब कुछ है, टेंशन नहीं लेना, राइट? क्योंकि बोर्ड्स में ऑब्वियसली जब आपको वो लॉक टेबल शीट देंगे तो वो लेटेस्ट वाली देंगे और उसके हिसाब से ही आपके आंसर की बनी होगी। ये टेक्स्ट बुक प्रिंट करते वक्त उन्होंने कैलसी यूज़ किया है और पुराना लॉक टेबल यूज़ किया है, उसकी चिंता अपने को नहीं करनी है। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि आप ये ऑब्जर्व करोगे कि हर क्वेश्चन में सर अपना आंसर थोड़ा बहुत मैच नहीं करता, क्योंकि अपना आंसर प्रिसाइज और एक्यूरेट आ रहा है, उनका उधर नहीं आया है, ठीक है? इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन बट देयर वे ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग इज ऑब्वियसली फ्रॉम अ कैलसी और अ कंप्यूटर और व्हाटएवर, राइट? देखो अगला सवाल, सेवन्थ वाला, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है? बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, इसको स्टार मार्क करके रखना बच्चों, थोड़ा वियर्ड तरीके से इसको फ्रेम किया। हाँ, पहली बात तो ये समझ लो जरा, यहाँ पे ये जो टी दिया ये केल्विन वाला टेम्परेचर वाला टी नहीं है टेक्निकली, ठीक है ना? ये इन्होंने मतलब ऐसा के का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग और टी से मल्टीप्लाई करके ऐसा दिया हुआ है, ओके? मतलब दिस इज नॉट टेक्निकली राइट, दे आर गिविंग यू अ टेम्परेचर वैल्यू और समथिंग, तो वो ऐसा बोल रहा है, रेट कॉन्स्टेंट दे हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ log of k to the base 10 is 14.34 minus 1.25 into 10 raised to 4 t, ठीक है? और बोल रहे एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो बस एक ही इंफॉर्मेशन दी आपको, k की वैल्यू नहीं दी है, log of k की वैल्यू दी, समझ रहे हो? ठीक है बच्चों, log of k की वैल्यू आपको दी हुई है, ये 14.34 into this, अच्छा, और आपको बोला है टू फाइंड, क्या ढूंढने को बोला है? ये यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। आप बोलो ठीक है, एक ही फॉर्मूला अपने पास जिसमें k और एक्टिवेशन एनर्जी एक साथ आते, कौन सा? एज पर आर्हीनियस इक्वेशन है ना बच्चों, आर्हीनियस इक्वेशन है ना अपने पास। अच्छा, आर्हीनियस इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? आज भी किया था अभी, क्या? के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, बराबर है ना? अच्छा, ये जो टी है यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में टेक्निकली ये जो टी है, दे वांट यू टू कैंसल दैट टी, दैट मच इज ऑब्वियस बिकॉज दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग विद रिलेशन टू टेम्परेचर, सो दे विल ऑब्वियसली वांट यू टू कैंसल आउट दैट टी, बट इट्स अ वेरी स्टूपिड वे ऑफ राइटिंग टू बी ऑनेस्ट, मतलब कुछ भी ये लोग ने बनाया ऐसे ही, ठीक है? अच्छा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने कैसे लिखा था याद करो, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखा था याद करो जरा, इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो ऐसा है ना, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a, ये दोनों बेस 10 है, माइनस ई ए अपॉन एक सेकेंड, हाँ, अपॉन 2.303 आर टी, ये हमने डिराइव किया हुआ है। अब ये याद नहीं आया ना, एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ तो आपको गड़बड़ होगी,
क्योंकि एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म आप डिराइव करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर कि अच्छा ये उसका लॉग फॉर्म है। इसी को हमने अभी थोड़ी देर पहले अलग तरीके से भी यूज किया था, लॉग ऑफ ए बाई के इज ई ए बाई 2.303 आर टी। सिर्फ स्विच करूंगा मैं साइड्स को, ये साइड्स को ये बाजू लेके जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, और लॉग ए माइनस लॉग के तो लॉग ऑफ ए बाई के, ऐसा कर दिया था है ना, अभी किया हमने फिफ्थ क्वेश्चन सेम थिंग। बट ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन ट्रिकी है बिकॉज इसी के अलग अलग फॉर्म आप यूज करते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अलग दिखता है और लॉग में अलग दिखता है एकदम, है ना। खैर हमने तो ये डिटेल में डिराइव भी किया था, कोई टेंशन। तो ये फॉर्म को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको स्ट्राइक क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ट्रिकी कहां पे, ध्यान से देखना। क्या मुझे बट गिवन, क्या मुझे ये दिया हुआ है, बट गिवन इज लॉग ऑफ के टू द बेस 10 इज, वैल्यू क्या दी है बच्चों, 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10^4 टी। क्या ये बात भेजे में गई, ये दिया है ना मेरे को क्वेश्चन में, क्या आप दोनों, आपको सिमिलैरिटी दिख रही है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग ऑफ के टू द बेस 10, क्या ये सिमिलैरिटी दिख रही है बच्चों आप लोगों को, आप बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर जिस बच्चे को ये स्ट्राइक नहीं हुआ कि इसको इस फॉर्म में लिखना है, उसको ये क्वेश्चन कभी चमकेगा ही नहीं, बरोबर बोल रहा हूं, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ बच्चे इसका लॉग फॉर्म ऐसा लिखेंगे, लॉग ऑफ ए बाय के इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर टी, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके आगे क्या करें। आपने गलत नहीं लिखा है, लॉग फॉर्म आपने सही लिखा, पर आपको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा उसको। वेयर विल यू गेट द हिंट, के को किस फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिया है, आपको के को उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रही है बात सबके, ये क्वेश्चन में ये आपका कैच है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया, मतलब है ट्रिकी क्वेश्चन बनाया उन्होंने। अच्छा तो यहां से पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब बोलेंगे वाह एकदम मजेदार काम हो गया अपना, अपने को एक्चुअली चाहिए ये। अगेन यहां पर एक कैच आता है, अगेन यहां पे कैच आता है। अब बोलोगे सर लॉग ऑफ ए इज 14.34, हाँ लॉग ऑफ ए इज 14.34 ठीक है। तो तुमको अगर ए निकालने को बोलता तो तुम क्या करते, दिमाग लगाओ, 14.34 का एंटीलॉग निकाल के आंसर दे देते, उसके मुंह पे मारते ये ले ए चल निकल, है कि नहीं। लेकिन तुमको पूछा है ए, तो तुम किसको इक्वेट करोगे, इस पूरी वैल्यू को इक्वेट कर, क्या ये समझ में आ रहा है ना, ये ट्रिकी। क्योंकि बहुत बार क्या करेंगे बच्चे कि ये दो अननोन लेके आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, ए आपको नहीं पूछा है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन, यहां पे मैं इक्वेट नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, ध्यान से देखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम यूनिक क्वेश्चन है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, व्हाट डू यू गेट, यू विल गेट दैट ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10^4 टी। क्लियर, ऐसा है। ओरिजिनल क्वेश्चन को प्लीज चेंज करना, इट हैज टू बी बाय टी। ये लोग ने मिसप्रिंट किया है एज यूजुअल, महान लोग लेजेंड लोग, दिस हैज टू बी बाय टी नॉट इंटू टी, हाँ प्लीज चेंज, इंटू टी करोगे आंसर नहीं आएगा, क्यों, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। अगर मैं इसको इंटू टी रखता तो मेरा टी कैंसिल आउट होता क्या, नहीं, तो मेरे पास दो अननोन हो जाते, ये भी मेरे को मालूम नहीं है, टी भी मालूम नहीं है, बरोबर बोल रहा हूँ बच्चों। तो ये बाय टी है ठीक है ना, इस इज डिवाइड बाय टी,
ठीक है, इन द क्वेश्चन ऑल्सो प्लीज चेंज दैट। हाँ, कोई पूछेगा तो बोल देना दुबे सर ने बताया कि रियल क्वेश्चन बाय टी था, उसको तुम मल्टीप्लाई बाय टी करके सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। ये तुम्हारा गिवन है, ठीक है, बाय टी। अब आ गया, इजी है ये तो, अब तो सबको आ जाएगा। क्या करेंगे, टी और टी कैंसिल, ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए की वैल्यू हो जाएगी 1.25 इंटू 10^4 इंटू 2.303 इंटू आर ना, यानी कि 8.314। क्या आंसर आ जाएगा आपका फटाफट, लॉग ऑफ 1.25 प्लस लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 8.314 द होल थिंग का एंटी लॉग इंटू 10^4। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? चलो कैलकुलेशन शुरू कर दो धड़ाधड़। लॉग ऑफ 1.25 कितना आएगा, 0.2303 दिस इज 0969, अभी किया था हमने क्वेश्चन में एक्चुअली। फिर ये आएगा 3623 और ये आएगा 9198। वाह, लॉग वैल्यूज भी याद ही हो गए, चलो अच्छा ही है। एडिशन कर लो बच्चों इसका, इंटू 10^4 इसका एंटी लॉग कितना आएगा एडिशन करने पे, 9 + 3 = 12 + 8 = 0 2 + 6 = 8 2 1.3790। तो एंटी लॉग ऑफ 0.3790 इंटू 10^5 कितना आता है, एंटी लॉग ऑफ 0.3790 बच्चों, टू थ्री नाइन थ्री बरोबर है, ये आएगा 2.393 × 10^5। ये क्या एनर्जी है ना, तो इतने जूल, क्योंकि आर जूल में लिया था तो 239.3 किलो जूल पर मोल, ये ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन कितने लोगों ने नहीं समझा लास्ट वाला, देखो मेरे पास पांच थे ना, 10^5 थे, तो मैंने क्या किया, एक और दो, दो आगे लेके गया तो तीन कर दिया, और तीन मतलब किलो जूल, तो 239.3 किलो जूल आंसर मैच कर लो, एग्जैक्ट 239.3 किलो जूल। क्लियर है बात, चेंजेस अगर नहीं करोगे, ये आपने नहीं किया तो आपका आंसर जिंदगी में नहीं आने वाला है, क्यों, ऑब्वियसली बिकॉज ये बाय टी जो है ये रॉन्ग है, ठीक है ना, ये रॉन्ग है, ठीक है ना बच्चों, नोट कर लेना नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर, चलो आखिरी सवाल क्या बोलता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट 300 केल्विन कोलाइड विद एन एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 50 किलो जूल पर मोल, ये दिया आपको क्वेश्चन में, ई ए की वैल्यू आपको दी है 50 किलो जूल मतलब 50, तो इंटू 10^3 जूल कर दूं, ठीक है, ऑब्वियसली देन यू विल हैव, क्योंकि आर की वैल्यू देखो, आर तो बीच में आने ही वाला है और आर आपका जूल में होगा, इसलिए मैं पहले जूल में कन्वर्ट कर देता हूं, हमेशा याद रखना। टेम्परेचर कितना दिया आपको बच्चों, 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन से क्या याद आएगा, फ्रैक्शन से क्या याद आएगा आपको, एफ है ना, क्या हमने एफ का फॉर्मूला लिखा है, चेक करो फॉर्मूला शीट में आपके, है ना, एफ का फॉर्मूला सिंपल था, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। इनफैक्ट
मैंने ऐसा बोला था ना, के इज इक्वल टू ए इंटू एफ, ऐसा बताया था आपको, याद है? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां पे क्या बोलता है, एफ क्या था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पोजेसिंग द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या नाम था वैसे वो उस मिनिमम एनर्जी का? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था हमने, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली, है ना? अच्छा, ये उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों। ये इक्वेशन का क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सही है ना? ये हो जाएगा मेरा लॉग फॉर्म, लॉग ऑफ एफ टू द बेस 10 इज माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये आ गया तो सेट है, टेंशन नहीं। क्या ढूंढने को बोला है? क्या ढूंढने को बोला है? एफ ढूंढने को बोला है, समझ लेना ध्यान से, एफ ढूंढने को बोला है। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अभी फिलहाल तो लॉग ऑफ एफ को ऐसे ही रखो और बाकी को सब्सटीट्यूट करो। माइनस ई ए की वैल्यू क्या थी? तो बोलेंगे सर 50 इंटू 10^3 थी, और 2.303 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन। यहां तक क्लियर? इसके दो जीरो, इसके दो जीरो से उड़ा दो, तो -500 ऊपर अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3। यहां तक क्लियर हो गया एकदम से सबको? ये किसकी वैल्यू आ रही है अपने को? ये लॉग ऑफ एफ की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है? लॉग ऑफ एफ की वैल्यू, है ना? अच्छा, अब यहां पर कैच क्या है ध्यान से सुनना, नेगेटिव नंबर है, ठीक है? सो लॉग ऑफ एफ टू द बेस 10 कैलकुलेशन, माइनस साइन में बाहर रख रहा हूं। जो भी आंसर आना है, अभी आंसर ध्यान से देखना किस तरह से आना है अपना, लॉग ऑफ 500 माइनस लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 8.314 प्लस लॉग ऑफ 3, समझ रहे हो? माइनस साइन को मैंने कंसिस्टेंटली बाहर ही रखा है, ध्यान से देख लेना। एंटी लॉग इसका ले लो, जो भी आंसर आएगा वही मुझे, सिर्फ नंबर, मुझे तो नंबर की वैल्यू चाहिए, माइनस साइन को मैंने बाहर रखा है। क्या भेजे में जा रहा है? लॉग ऑफ 500 कितना आएगा बच्चों? 2.6990, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट राइट, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज दैट आई रिमेंबर। 5 का शायद से 6990 होता है जहां तक मुझे याद है, चेक कर लेना। इसका तो आपको पता ही है सबको, 3623 प्लस 0.9198 प्लस 0.4771, ये भी वैल्यू एक बार कंफर्म कर लेना बच्चों। मेरे पे भरोसा मत करना, ब्लाइंडली एक बार चेक कर लेना। बिकॉज हो सकता है आप जैसे नए लॉग टेबल में कहीं कहीं उन्होंने एक एक वैल्यू कोई थोड़ी बहुत चेंज भी की है। ओके, चलो इसका एडिशन कर लो जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है? ये है माइनस साइन, ये है एंटी लॉग, ये है 1.7592, कंफर्म कर लेंगे। ओके, तो नेगेटिव है नंबर, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 2.6990 माइनस 1.7592, यहां तक सबको आ गया क्लियर? चलो क्या आ रहा है वैल्यू? 10-2, यहां पे 8 समथिंग है, लास्ट में 8 आएगा ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, पूरा वैल्यू क्या आएगा बच्चों?
0.9398 नेगेटिव। अच्छा 9398 का एंटीलॉग निकाल लो पहले, 0.9398 का एंटीलॉग निकाल लो, क्या आ रहा है? सेवन पॉइंट जीरो सिक्स नेगेटिव में, 8706 यानी कि 8.706 नेगेटिव में, ठीक है ओके। ये क्या है वैल्यू? ये लॉग ऑफ एफ की वैल्यू है, ये लॉग ऑफ एफ की वैल्यू। अब मुझे एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ की वैल्यू क्या होगी? तो बोलोगे सर एफ की वैल्यू होगी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यस और नो? हाँ बच्चों, अब यहां पर गड़बड़ ये है, कैलकुलेशन में ध्यान से देखना कि अगर मैं एंटी लॉग ऑफ एफ लेता हूं तो एफ की वैल्यू तो मिल जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन राइट साइड पे नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं होता। सही है ना, नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करेंगे? अब जब भी आपको एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाए, कभी ये याद रखना, फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा, जब भी एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर लेने को आपको फोर्स कर रहा है तो आपके एंटी लॉग टेबल में नेगेटिव नंबर का तो है नहीं, तो क्या करना है ध्यान से देखना, ठीक है ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, माइनस 8.706 था, उसमें प्लस वन माइनस वन किया, वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। इसका मतलब समझो, ये माइनस एट है, ये माइनस एट है, प्लस माइनस 0.7060 है, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? पूरा नंबर ही नेगेटिव था ना मैथमेटिकली, माइनस एट माइनस 0.7060 प्लस वन माइनस वन, आप बोलेंगे ठीक है, तो ये आ गया माइनस एट माइनस वन, ये माइनस नाइन हुआ, ये माइनस नाइन हुआ। अब प्लस ये देखो, ये वन वन माइनस 7060, समझा कि नहीं समझा? 1-7060, इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं, इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं? 1000-0.7060 क्यों कर रहा हूं मेहनत बताओ? ताकि मेरा जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव हो जाए, क्या ये दिमाग में गया? हाँ, तो डेसिमल के बाद वाला जो है फंडा, जो मेरे को एंटीलॉग के टेबल में देखना, क्या वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया मैंने? क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो यहां पर यह कैच है, तो ये एक्सरसाइज करके आपने क्या किया, आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, बस इतना है। आप चाहते तो रेसिप्रोकल वाला मेथड यूज कर सकते थे, बट उससे आपके आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहे, नहीं आएंगे डेफिनेटली, और आपका एक स्टेप भी पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 1/f की वैल्यू मिलेगी, फिर आपको लॉग वन माइनस वो वैल्यू माइनस करके उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, आपकी बहुत सारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर ज्यादातर लोग सीखते नहीं है, सिखाते नहीं है, बट बहुत काम की चीज है, याद रख लेना, कुछ नहीं करना है, क्या करना है? प्लस वन माइनस वन करना है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कर लो, आप कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये तो आ रहा है 706 था ना, तो 2940 सही है ना ये? अगर 700 होता तो 300 हो जाता, तो 300 में से मैंने 6 निकाल दिए, ठीक है, तो ये मेरा अब पॉजिटिव में आ गया, ये अब पॉजिटिव में आ गया 0.2940। अब ये मैं मेरे एंटी लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखता हूं ना, 9 बार 0.2940, क्या ये समझा? जिसमें आपको ये समझेगा कि अच्छा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्लियर हो गया? डेसिमल के पहले वाला नंबर नेगेटिव, बाद वाला पॉजिटिव, एकदम मस्त क्लैरिटी में बैठ गया अपने दिमाग में, आप बोलोगे हाँ सही है। अब इसका एंटीलॉग आपको निकालने आता है, निकालो, तो एंटीलॉग ऑफ
है ना, आपको नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग निकालने नहीं आता था, बट इसका तो आता है ना, ये तो इजी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बच्चों। अब बोलेंगे हाँ, तो एंटीलॉग ऑफ 0.2940 इंटू 10^-9 भेजे में क्या आंसर बताओ। वन पॉइंट 9 6 8 × 10^-9 molecules. Again, please note in your text they have just done directly with the calculator. That's why they've got 2 × 10^-9. We have done all calculations exactly accurately. एकदम accurate calculation की अपन ने, फिर भी ये चीज बता दू, मैंने log of 500 6990 लिया है। आई थिंक आपके नए लॉक टेबल में 6991 रहेगा, एक बार चेक कर लो है क्या। अगर 6991 है आपके नए लॉक टेबल में तो आपका आंसर एग्जैक्ट 2 आएगा, 1.999 आएगा। अगर यही वैल्यू है तो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है 2, अपना आंसर ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है 1.968 × 10^-9। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत ट्रिकी कैलकुलेशन था इसका बच्चों, क्योंकि नेगेटिव का एंटीलॉग लेना है। आप लोग हमेशा से, और अपन पहले से भी ये करते थे कि नेगेटिव के एंटीलॉग को अवॉइड कर देते थे, कैसे, रेसिप्रोकल लेके। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना बेवकूफ़ी होगी, ट्रस्ट मी आप गलत चले जाओगे। एक यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया, लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। वो बोल रहा है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 इन लिक्विड ब्रोमीन, इसमें N2O5 डिसअपियर्स, ऑब्वियसली N2O5 रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, कम होगा, डिसअपियर होगा, ठीक है, एट अ रेट ऑफ दिस मच, मतलब N2O5 के कम होने का रेट, चेंज होने का रेट कितना है, 0.02 DMQ per second, करेक्ट है ना, ओके। एंड व्हाट, एट व्हाट रेट NO2 एंड O2 आर फॉर्म्ड। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, गिवन इक्वेशन को ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये इक्वेशन आप जब एवरेज रेट के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से लिखने वाले हो, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस या एवरेज जो भी है उसके फॉर्म में, तो DA/DT माइनस साइन के साथ, प्लस वन बाय बी dB/dt ऐसे लिखोगे ना, प्लस 1/C dC/dt ये, हाँ कि ना। यहाँ पे बी क्या है तुम्हारा, NO2, स्मॉल बी क्या है, 4, ये देखो ना, 1/4 NO2/dt सही तो है, विच इज ऑल इक्वल ना, एवरीथिंग इज इक्वल। N2O5 का जो भी रेट था वो N2O5 का जो भी रेट था, अभी N2O5 का रेट भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आगे 2 है, और वो माइनस साइन लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि रिएजेंट है, बोला आगे ना, सिंपल है ना। दैट इज ऑल्सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, यहां पे अभी कुछ नहीं है तो ये 1 और 1:1 ही है, बस आगे कुछ नहीं लिखा, देखो 1 और पॉजिटिव यानी कि DO2/dt, तो जो भी तुमको N2O5 क्या दिया है उससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, समझ में आया। 0.02 तुमको क्वेश्चन में N2O5 का दिया हुआ है, तो आंसर आ गया, राइट। इसमें एक ही यहां पे प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा, शायद इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये इक्वल टू होना चाहिए हाँ, और ये होना चाहिए माइनस, ये होना चाहिए, ये ठीक है, इतना दिया हुआ है विच इज इक्वल टू दिस, ओके। यहाँ पे माइनस साइन बरोबर दिया है, माइनस साइन को ध्यान देना, बाकी सब परफेक्ट है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, सिंपल इस तरह से करना है। 6.2 वाला तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के वक्त ही बता दिया था, याद होगा है ना, ये 0.4 0.2 है तो ये 4 है, इसको 0.4 से 0.6 किया तो ये 4 से 6 हुआ, मतलब जितने रेशो में ए को चेंज किया उतने रेशो में ये भी चेंज हुआ, तो ए के रिस्पेक्ट में 1, बी को डबल किया 2 से 4 है ना, इस तरह से बी को बिना चेंज किए ए को चेंज किया तो ए के रिस्पेक्ट में तो 1 है, ठीक है, और बी को जब आपने डबल किया
सो दिस बिकेम 6 से 32, ओके, एंड हियर 6 से 8. तो आप 6 से 8 एक्सपेक्ट कर रहे थे बी के केस में, या तो बी के केस में 2, तो यहाँ पर बी के केस में 2 हो जाएगा. ठीक है, जिन लोगों को ये नहीं समझा उनको बता दूँ, चेक करो ध्यान से ज़रा. ए के रिस्पेक्ट में 1 तो सबको समझ में आ गया, क्या करने का, कैसे करने का. ए के रिस्पेक्ट में 1, ये 4 से 6 गया, 0.4 से 0.6 गया, ये 4 से 6 गया. बी वॉज रिमेनिंग सेम, बी में कोई चेंज नहीं था, तो पूरा का पूरा चेंज किसकी वजह से आया, ए की वजह से आया. ए जितना बदला रेट उतना बदला, तो ए के रिस्पेक्ट में 1 का रेशियो, ए रेस टू 1, बोलो हाँ कि ना. तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1, बोलो यस और नो. अब नेक्स्ट वाला पार्ट ध्यान से सुनना, ये 0.6 से 0.8 गया, तो तुमने एक्सपेक्ट किया कि ये 8 जाना चाहिए, बोलो यस और नो, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में 1 था. पर ये 3.2 गया, मतलब 8 के 4 टाइम्स, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, 10^-4 or 10^-5, 4 टाइम्स हो गया. कैसे, बी जब डबल किया तो रेट एक्चुअली 4 टाइम्स हुई, डबल का 4 टाइम्स, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ट्वाइस, 2 का 4 गुना हुआ, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है. ऐसे शॉर्ट में आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रही है बात, तो इस तरह से करना है. ओके, बाकी सॉल्व एग्जांपल्स तो बहुत ही डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने दिए हुए हैं. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर. जो थियरी क्वेश्चंस है उसमें से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, कोलिशन थियरी, डेरिवेशंस एंड ऑल द डेफिनेशंस एटसेट्रा. बट वन क्वेश्चन दैट इज आई विल राइट दिस एंड गिव यू, गारंटीड टू कम फ्रॉम दिस चैप्टर, इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस. बताया मैंने, 100% आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा. ठीक है, तो वो तो करना ही करना है. बाकी आपके सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, फॉर्मूला शीट लिख दी हमने, सब कुछ है. कोई डाउट रहेगा तो सीधा फोटो खींचो, जो क्वेश्चन नहीं समझा उसका फोटो खींचो, ऐप पे आपका चैट ऑप्शन है वहाँ पे डाल दो, पोस्ट कर दो, मैं आपको तुरंत उसका पूरा सॉल्यूशन लिख के सेंड कर दूंगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा केमिकल काइनेटिक्स डन एंड डस्टेड. अगले सेशन में नया चैप्टर शुरू करेंगे.